अच्छा, कोई भी व्यक्ति अगर सफल होता है तो किन रीजंस की वजह से होता है? वो होता है उसकी आदतों की वजह से, हैबिट्स की वजह से, उसके थॉट्स की वजह से, उसके एक्शंस की वजह से, उसकी एजुकेशन की वजह से। तो वो जो सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती है फॉर गेटिंग द सक्सेस इन आर लाइफ, वी आर गोइंग टू वर्कआउट इन दिस 6 डेज। इन 6 दिनों में हम वर्कआउट करने वाले हैं। आज अपन किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? देखो, आप लोगों को एक बात हमेशा हर कोई बचपन से बताता हुआ आया है, क्या? हाउ टू गेट सक्सेस कि सफलता कैसे प्राप्त करें, है ना। सफलता के लिए पूरा फोकस करना पड़ता है, अच्छी एजुकेशन लेनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, इंटेलिजेंसी चाहिए ना, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती है। पर आप लोगों को एक बात आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं बताई गई कि लाइफ में जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं या लाइफ में कुछ बड़ा जो नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे के क्या रीजंस होते हैं। देखो, अगर हम ग्रेट पर्सनालिटीज़ की बात करें ना, लिटरली जैसे अमिताभ बच्चन, मिस्टर नरेंद्र मोदी, शाहरुख खान, विराट कोहली, तो ये जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ होती है परसेंटेज में नहीं होती है। आपको लगता है आपके सामने हमेशा बात की 15% लोग ही सफल होते हैं लाइफ में, 10% लोग ही सफल होते हैं, 3% लोग ही सफल होते हैं, झूठी बातें हैं ये। जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ होती है ना, सुपर सक्सेसफुल पीपल, वो परसेंटेज में नहीं होते हैं, वो नंबर्स में होते हैं। यू कैन काउंट, आप काउंट कर सकते हो उनको उंगलियों पे, ठीक है ना, करोड़ों लोगों में से। तो कहने का मतलब है, इनमें ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं या ऐसा ये क्या करते हैं, इनकी ये क्या आदतें हैं, और दूसरे लोग ऐसा क्या नहीं करते हैं या ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से इतने सुपर सक्सेसफुल लाइफ में नहीं हो पाते हैं। तो आज अपन क्या करने वाले, अच्छा मैं इसको क्या बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ मैं विलन ऑफ आर लाइफ। हमारी लाइफ में कुछ विलन थे जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते, जैसे कि कोई भी मूवी देखते हैं अपन तो उसमें विलन होता है जो हीरोइन को हीरो को हीरो से मिलने नहीं देता है, बीच में अड़चन पैदा करता है। तो हमारी लाइफ में भी तो बहुत सारे ऐसे विलन हैं जो हमें सफल होने नहीं देते हैं। जानना चाहोगे कि हमारी लाइफ के ऐसे कौन कौन से विलन हैं जो हमें लाइफ में सुपर सक्सेसफुल होने नहीं दे रहे हैं? एक बार क्या होता है, एक गुरु और एक शिष्य होते हैं। तो गुरु जो होते हैं वो जगह जगह गाँव गाँव जाकर अपने प्रवचन देते हैं। पहले आपको मालूम है जो शिक्षा हुआ करती थी लोगों की, वो स्पीच के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से हुआ करती थी, है ना। जो भी बड़े ऋषि मुनि, संत महात्मा, गुरु होते थे, वो गांव-गांव जाकर लोगों को कैसे रहना है, कैसे खाना पीना है, किस तरह से लोगों से व्यवहार करना है, वो सारी चीज़ें सिखाया करते थे। तो वो क्या करते हैं कि गांव-गांव जाकर प्रवचन दिया करते हैं। तो एक गांव से लेकर जब वो दूसरे गांव में प्रवचन देने के लिए जाते हैं तो शाम हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, एक घर देखते हैं, सोचते हैं कि रात हम यहीं बिताते हैं और सुबह फिर अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वो क्या करते हैं, गांव में दरवाज़ा खटखटाते हैं एक व्यक्ति का। तो व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है, ऋषि मुनि पहले के लोग, ऋषि मुनि संत महात्मा और गुरुओं की बहुत आदर सम्मान किया करते थे, तो आदर के साथ में उनको अंदर बुलाते हैं और उनको बिठाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, है ना, और उनसे चर्चाएँ करते हैं। तो गुरु जी उनसे पूछते हैं, जो आदमी रहता है, कि आपके घर में कौन कौन है और आप अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, आप क्या करते हैं। तो जो वो आदमी होता है वो बोलता है कि गुरुजी, ये मेरी जो झोपड़ी है, इसके सामने जितनी ज़मीन है ये सब मेरी है, है ना। तो गुरुजी पूछते हैं कि तुमने क्या बो रखा है ज़मीन पर, तो बोलता है मैंने अभी कुछ भी नहीं बो रखा है। तो बोलता है कि तुम्हारा जीवन यापन कैसे चलाते हो आप। तो वो बोलता है, वो आदमी बोलता है कि मेरी ये एक वाइफ है और 2 बच्चे हैं और हमारे पास एक गाय है, तो हम गाय बहुत अच्छा दूध देती है, तो सुबह शाम हम गाय का दूध निकालते हैं और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उतना हम रख लेते हैं, बाकी गांव वालों को बेच देते हैं और जिस तरह हमारा जीवन यापन चलता है, ठीक है। वो बात करने के बाद में सो जाते हैं। तो गुरुजी सुबह 4 बजे उठते हैं और अपने शिष्य को उठाते हैं और बोलते हैं चलो। तो जैसे वो गुरुजी जाने लगते हैं तो शिष्य को बोलते हैं चलो, तो गुरु बोलते हैं, वो शिष्य बोलता है कि ये इतना बढ़िया, इतना अच्छा आदमी, इसने अपना इतना मान सम्मान किया, इनको बता देते हैं कि अब हम जा रहे हैं, सुबह हो गई है ना, नहीं तो ये क्या सोचेगा। तो बोलते हैं नहीं, बताने की जरूरत नहीं, चलो तुम तो मेरे साथ में। तो बोलते हैं कि ठीक है। तो जाते जाते गुरु बोलते हैं शिष्य से, ये जो गाय हैं इनकी, इनको भी ले चलो। तो क्या होता है कि जैसे शिष्य बोलता है, गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे को चोरी करने के लिए बोल रहे हैं, और जिस व्यक्ति ने इतना मान सम्मान करा हमारा, हमें खाना खिलाया, हमें रहने की व्यवस्था की, तो उसकी आप बोल रहे हो गायें ले चलो, उसके जीवन का जो सोर्स है खाने पीने का, अर्निंग का, वही आप ले चलो, इसके बच्चे क्या खाएंगे। तो बोलते हैं चलो ले चलो, जितना बोला उतना करो। तो वो क्या करते हैं, ले जाते हैं गाय को, और बेचारे शिष्य का मन तो नहीं होता है पर फिर भी भारी मन से वो लेके जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, गुरु और शिष्य उस गाय को जंगल में जाके छोड़ देते हैं। तो गाय जंगल में जाके छूट जाती है। वो क्या होता है कि कुछ सालों के बाद जब शिष्य की पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो जाती है और जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो 10 साल के बाद उसको लगता है कि हमने उस व्यक्ति के साथ में गलत किया था और
मुझे उसका उसकी भरपाई करनी है, मुझे उन व्यक्तियों के लिए कुछ करना है, अब मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ, अब मैं मदद उनकी कर सकता हूँ। तो वो ये सोचकर वापस उसी गांव जाता है। तो जब वो उस गांव जाता है और वहां पर वो देखता है कि जो छोटी सी झोपड़पट्टी थी वो एक बड़ा महल बन चुका है। तो उसको ऐसा लगता है कि यार वो गाँव वाले जो आदमी, उसकी वाइफ और बच्चे थे, वो कहीं चले गए होंगे, क्योंकि उसके अलावा तो उनके पास कोई इनकम का सोर्स ही नहीं था। क्या करते है ना, उन्होंने खेती बाड़ी बेच के और ये झोपड़ी और अपने सब बेच के चले गए होंगे। तो फिर भी सोचते हैं कि चलो मैं पूछ लेता हूँ एक बार। तो जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है शिष्य, और दरवाज़ा खोलता है वो आदमी, वही आदमी दरवाज़ा खोलता है और उनको नमस्ते करके बोलता है कि उस दिन आप बिना बताए चले गए। तो बोलता है कि हाँ, वो उस दिन हमारे गुरुजी ने बोला था कि जल्दी जाना है, इनको डिस्टर्ब मत करो, चलो। तो वो बोलते हैं कि, तो वो जो शिष्य होता है वो पूछता है कि आप तो एक छोटी सी झोपड़पट्टी में रहा करते थे, इतना बड़ा महल और सामने इतने खेत खलिहान, अच्छी फसल, ये हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे हुआ? तो वो जो आदमी होता है वो बोलता है कि जिस दिन आप यहाँ से गए उसी दिन हमारे साथ भी एक इंसिडेंस हो गया। बोलते क्या? तो बोलते कि हमारा जो जीवन यापन का सोर्स था, हमारी जो गायें थी, वो रातों रात पता नहीं कहाँ चली गई। वो क्या बोलता है, रातों रात कहीं चली गई। अब जब हम सुबह उठे तो हमारे पास जीवन यापन के लिए कोई सोर्स नहीं था कि हम क्या बनाएं, क्या खाएं और क्या करें ज़िंदगी में, क्योंकि एक जो गायें थी जिससे हमारी अर्निंग होती थी वो तो चली गई। तो फिर मैंने क्या करा, जो पहले के थोड़े बहुत मेरे पास पैसे बचे थे उससे मैं मार्केट जाकर और बीज खरीद के लाया, और इतनी बड़ी जो ज़मीन थी इसमें मैंने बीज बो दिए, है ना, और मैंने बीज बोए और थोड़ी सी मेहनत करी और बहुत अच्छी फसल आ गई। और जो फसल आई मैंने उसको काटा, अपने लिए थोड़ा सा रखा और बाकी मार्केट में जाकर बेच दिया। उससे खूब सारे पैसे आ गए। उससे जो पैसे आ गए तो फिर मैंने उस फसल से बीज खरीदे और फिर बीज बोए और फिर मैंने खेती की, और देखते ही देखते देखिए मैं एक बड़ा और एक अमीर आदमी, इस गांव का शाहूकार आदमी बन चुका हूँ। ये महल बना दिया मैंने। उस गाय की वजह से वो लाइफ में ना तो कुछ अच्छा बड़ा सोच पा रहा था और ना ही कुछ बड़ा कर पा रहा था। हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी गायें हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, सक्सेसफुल होने नहीं देती, है ना। वो गायें उसके लिए, उस आदमी के लिए एक कम्फर्ट जोन बन गई थी कि अपने को क्या करना है, अपना तो जीवन यापन बहुत अच्छे से चल रहा है, गायें दूध देती है, पैसे आ जाते हैं। तो वो कुछ बड़ा नहीं सोच पा रहा था कि मैं इससे भी ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, मैं इस झोपड़ी को बंगला बना सकता हूँ, है ना। तो अच्छा, आप मुझे बताओ सच्ची ईमानदारी से, क्या हमारी लाइफ में ऐसी कोई गायें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है? कौन सी है? सही सही बताओ। आपको पता है ऐसी बहुत सारी गायें हमने पाल रखी है, उसको छोड़ना पड़ेगा जंगल में, तब जाके हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। सबसे बड़ा हमारी लाइफ का कंफर्ट जोन पता है क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स। हमें पता है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाने से हमारा क्या, ना तो किसी का करियर बना है, एक का बना है मार्क जुकरबर्ग का ना तो किसी का बना है और ना ही बनता है और ना ही चांसेस है कि बनेगा। फिर भी बहुत सारे लोग 2 घंटे, 3 घंटे, 4-4 घंटे सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, सारे रील्स, सारे फोटो सब देखते हैं। हमें पता है कि टीवी देखने से ना तो आज तक किसी का करियर बना है ना बनेगा। उसके बाद में भी बहुत सारे स्टूडेंट एक एक मूवी को 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 बार देखते हैं।